G20 का लोगो बनाया है मशहूर रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने। एक तरफ आपको राष्ट्रीय फूल कमल दिखाई दे रहा है, उसके साथ पृथ्वी जो तमाम चुनौतियों के बीच विकास की रफ्तार को प्रदर्शित करता हो। कुछ पल ऐसे होते हैं जो बदल देते हैं राष्ट्र की तकदीर, दुनिया भर में किसी देश के दमखम का लोहा मनवा देते हैं, दुनिया में उभरती महाशक्ति की तस्वीर दिखा देते हैं। और ऐसी ही तस्वीर के साथ तैयार है भारत, बस दुनिया के दिग्गज मेहमानों का इंतजार है। G20 की दो दिनों की बैठक में भारत समूचे विश्व को अपनी ताकत का एहसास कराने जा रहा है, विश्व इतिहास में अपना नया सिक्का जमाने जा रहा है, क्योंकि इस आयोजन में भारत देश की गौरवशाली अतीत की झलक है, उज्जवल वर्तमान है और गरिमामयी भविष्य की पूरी रूपरेखा है। जिस तरह से मेरी गाड़ी का पहिया घूम रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से समय का पहिया भी घूमा। इसी राजधानी दिल्ली में 1982 में जब एशियाड का आयोजन किया गया था, तब दिल्ली की तस्वीर चमकी थी। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी यहां पर बड़े पैमाने पर विकास का काम हुआ, जिसकी तस्वीर आज भी हमें हर जगह दिखाई देती है। और उसके बाद G20 देशों का इतना बड़ा कार्यक्रम जिसके जरिए दिल्ली की तस्वीर और तकदीर को बदलने और नए सिरे से गढ़ने की ये कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि करोड़ों रुपए सिर्फ राजधानी दिल्ली की साज सज्जा पर खर्च किए गए हैं। 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच जब अतिथि देवो भवः की परंपरा से विदेशी मेहमानों का साक्षात्कार होगा, तो नए भारत की झलक दुनिया तक पहुँचाने का मौका होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन समेत दुनिया के G20 से जुड़े ताकतवर देश भारत पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही G20 में शामिल होने के लिए भारत ने उन 9 देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है जो इस समूह का हिस्सा नहीं है। सार में समझें तो ये वो देश हैं जो दुनिया की नीतियां तय करते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था राजनीति का रुख तय करते हैं। यही कारण है कि 1999 में अस्तित्व में आया ये मंच अब बड़ी शक्ति बन चुका है और भू राजनीतिक बदलाव के इस दौर में भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। G20 देश कितने ताकतवर हैं, इस बात से आप समझेंगे कि आपको बताते चले दुनिया की 60% हिस्सेदारी इसी G20 देशों के भीतर है, दुनिया की 80% GDP इसी G20 देशों के भीतर है और दुनिया का 75% व्यापार इसी G20 देशों के बीच परस्पर होता है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी ताकत के साथ ये देश यहाँ पर बड़ी दस्तक देने वाले हैं। यही वजह है कि इस बैठक में पर्यावरण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, एक दूसरे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। ये भी तय होगा कि आतंकवाद की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, दुनिया के कमजोर देशों की मदद कैसे की जाए। बहरहाल अब दिल्ली को इंतजार है अपने खास मेहमानों का, जो इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। G20 की तैयारियों के बीच सरकार की ओर से बेहद खास गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। कुछ ऐसी एडवाइजरी है जिससे इस मौके को खास बनाया जा सके। इसको लेकर किस तरह की पहल की गई है, क्या कड़े कदम उठाए गए हैं, अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। G20 का आयोजन महज भारत की धरती पर विश्व की महाशक्तियों के जुटान का मौका नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पड़ाव है जो दुनिया के फलक पर भारत की चमक बिखेर देगा, पूरी दुनिया के सामने नए भारत की बुलंद तस्वीर को पेश करेगा।
यही वजह है कि दिल्ली में G20 की बैठक को लेकर शानदार तैयारियां चारों तरफ देखी जा सकती हैं। एक एक सड़क को सजाया गया है, नई नई पेंटिंग के जरिए भारतीय परंपरा की झलक को उकेरा गया है। देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग हिस्सों से होते हुए जैसे आप गुजरेंगे, वैसे वैसे दिल्ली का सौंदर्यीकरण किस रूप में किया गया है उसकी झलक चारों तरफ आपको दिखाई देगी। कहा जा रहा है 4,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्चे गए हैं। सिर्फ भारत मंडपम के ही सौंदर्यीकरण को लेकर 2,700 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ चुका है। लेकिन यकीनन अद्भुत ये तस्वीरें इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर चारों तरफ प्रगति मैदान की अगर आप देखेंगे तो इस तरह के अलग अलग रंगों की लाइटिंग्स के साथ फव्वारे यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। दिल्ली की सड़कों को भी खासतौर से तैयार किया गया है। पूरे शहर की तस्वीर बदलने की कोशिश हुई है ताकि भारतीय संस्कृति को विदेशी मेहमान करीब से देख पाए। एयरपोर्ट से लेकर स्टेशन तक जहां से भी गुजरो, इस बदलाव की तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है। शानदार लाइटिंग, झालरों की रोशनी में राजधानी दिल्ली जगमगा उठी है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग हिस्सों में जब आप गुजरेंगे तो इस तरह के बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई दे जाएंगे और उनमें से लटकती हुई झालरें लाइट्स की, आप देखिए कितनी खूबसूरती से इस बड़े से नीम के पेड़ पर ये लाइट्स लगाई गई हैं जो अपनी रोशनी कम करता हुआ फिर बढ़ाता हुआ बिखेरता हुआ, और ऐसे लग रहा है कि रोशनी ऊपर से आ रही है और नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है। आपको बता दें इसी तरह की तस्वीर कई ऐसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जहां पर राजधानी दिल्ली में खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पेड़ों को सजाया गया है। चलिए हम चलते हैं आगे, लेते हैं कुछ और हिस्सों का जायजा। कई जगहों पर सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं ताकि तस्वीरों को अपने साथ याद के तौर पर मेहमान लेकर जा सकें, भारत की मेहमान नवाजी के बारे में पूरी दुनिया को बता सकें। गांधी जी की बेंच पर बैठे हुए, जो गांधी जी अक्सर वॉक किया करते थे आपको पता होगा तो, और वो पैदल चलने पर बड़ा को महत्व देते थे, इसलिए यहाँ बैठकर युवा और जो बच्चे आएंगे वो गांधी जी के साथ फोटो खिंचा सकेंगे, प्रेरित होंगे, उनकी शिक्षाओं पर चलेंगे और उनका प्रचार प्रसार कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है। यहाँ हमने ये बेंचेस जो लगाई हैं, ये इसलिए लगाई हैं ताकि यहाँ पर कुछ छोटा मोटा कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ कर सकें और लोग सेल्फी भी ले सकें और फोटो में भी खिंचा सकें एक साथ ग्रुप फोटो के अंदर। सेल्फी विद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। दुनिया भर के दिग्गज 7 सितंबर से ही दिल्ली पहुंचने शुरू हो जाएंगे। हर राष्ट्र प्रमुख की सुरक्षा के साथ उनके ठहरने का पूरा इंतजाम किया गया है।